हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। इंडियन रेसिपीज़ को डिलीशियस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है। एक सिंपल सी डिश में भी चार चांद लग जाते हैं अगर उसमें स्पाइसेस एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो। कुछ व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अपनी रेसिपी वीडियोस या फिर व्लॉग्स में भी जो मसाला मैं यूज़ करती हूँ उनको बनाती कैसे हूँ। कुछ पाउडर मसाला मैं मार्केट से बाय करती हूँ और कुछ को मैं खुद बनाती हूँ। सो आज मैं 5 मसाला रेसिपीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिनका यूज़ आपके खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानी कि गरम मसाला रेसिपी से। सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है। तो गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 कप साबुत धनिया, 1/4 कप जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ। इन तीनों चीजों को हमने लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। रोस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि मसाला ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना आए। आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। एक पूरा इनको धूप लगवाने के बाद इसको ग्राइंड करें तो मसाला प्रॉपर ग्राइंड हो जाता है। तो अब एक बाउल में मैंने इन तीनों चीजों को निकाल लिया है जो कि रोस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद पैन में मैंने 10 से 12 बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, साथ ही लौंग लिए हैं 10 से 12, जावित्री लिए हैं 2 पीसेस और साथ ही 5 से 6 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 1 जायफल, काली मिर्च ली है 1 चम्मच और साथ ही डाला है 3 तेज पत्ता। इन सब चीजों को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे। कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि मसाला जब भी बनाएं थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं ताकि आपका 1 मंथ के अंदर अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि बार बार खोलने और यूज करने से इनका अरोमा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप चाहें तो इन सभी चीजों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रोस्ट करने से ये अच्छे से रोस्ट हो जाती है, क्योंकि कोई मसाला ज्यादा टाइम लेता है रोस्ट होने में तो कोई कम। तो बस इन सबको मैंने अब ग्राइंडर जार में निकाल दिया है और उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक का पाउडर, जिसे कि हम सौंठ पाउडर भी कहते हैं। पाउडर बनाते वक्त ग्राइंडर को थोड़ा रोक रोक कर चलाएं ताकि मसाले अच्छे से पिस जाए और मसालों के गर्म होने की वजह से ग्राइंडर को भी कोई हार्म ना हो। लीजिए, हमारा गरम मसाला तो तैयार हो गया है। अब इसे किसी ड्राई कंटेनर में निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये कंटेनर आपका एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से आपका मसाला खराब भी हो सकता है। और इसे यूज करने के लिए हमेशा ड्राई स्पून का ही इस्तेमाल करें। मैं मसाला हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ और इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह के छोटे कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ। कौन से कंटेनर में कौन सा मसाला है ये जानने के लिए हर कंटेनर पे एक स्लिप का होना बहुत जरूरी है। पेपर पे उसका नाम लिख के टेप के साथ उसको स्टिक कर सकते हैं ताकि आप जान सकें कि कौन सी डिब्बी में कौन सा मसाला है। ऐसा करने से किचन में काम करना ना सिर्फ आप ही के लिए आसान होता है, बल्कि कोई भी अनजान आदमी भी आपके किचन में इजीली काम कर सकता है। लेकिन मसाला रेसिपी है जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया, चाय मसाला। इसे बनाने के लिए 7 से 8 स्टिक्स ली है मैंने दालचीनी की और साथ ही 30 से 40 लिए हैं मैंने छोटी इलायची। इन दोनों चीजों को मैं रोस्ट करूंगी, वो भी 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे। इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डायरेक्ट ही निकाल दिया है। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून के अराउंड मैंने सौंफ डाली है। अब इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक मैं रोस्ट करूंगी। कुछ लोग ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं। और अब इसे भी मैं ग्रीन इलायची और दालचीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूंगी और उसके बाद मैं डालती हूँ चाय में रोज़ पेटल्स। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको रोस्ट करके इसी के साथ ग्राइंड कर लें। चाय में रोज पेटल्स का यूज इसके टेस्ट को तो बढ़ाता ही है और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है और ये एक हर्बल रेमेडी की तरह काम करता है, जिससे यूरिनरी इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो 2-4 पत्ते तुलसी के तोड़ के लाएं और वो भी चाय में डाल दें। आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका पाउडर बना के इस मसाला में भी ऐड कर सकते हैं। कोई जानता है कि तुलसी भी एक मेडिसिन की तरह ही काम करती है। वायरल फीवर हो या फिर आपको खांसी हो, जुकाम हो, तो बेस्ट होता है कि जब आप चाय पीते हैं तो तुलसी के 2-4 पत्ते उसमें ऐड कर लें। और एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विंटर्स में हम अदरक वैसे भी चाय में कूट कर डालते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लीजिए, चाय मसाला भी तैयार हो गया है। मैंने आपके साथ चाय मसाला की वही रेसिपी शेयर की है जो हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसमें क्लोव्स यानी कि लौंग भी डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और बस अब लगा देंगे इस पे चाय मसाला की स्लिप। एक बार ये मसाला ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
नेक्स्ट रेसिपी है चना मसाला, जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले 1/4 कप साबुत धनिया, 1/4 कप जीरा, 10 से 15 लौंग लिए हैं, 10 से 12 बड़ी इलायची, कुछ दाने लिए हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के, 2 लिए हैं जावित्री के पीसेस, 1 जायफल लिया है और साथ ही 4 से 5 लिए हैं सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। अब इन सब चीज़ों को वही हम 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। धनिया और जीरा हर मसाले की शान है। आगे की चीज़ों को रोस्ट करने से पहले इन सभी को हम पहले एक बाउल में निकाल दें। अब उसी पैन में कुछ तेज पत्ता लिए हैं और साथ ही ली है सूखी साबुत लाल मिर्च, इनको भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। चना मसाला पाउडर की जो मैं रेसिपी आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसे स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। इस मसाला को बना के एक बार यूज करने के बाद आप मार्केट से चना मसाला कभी बाय नहीं करेंगे। उसके बाद 1/4 कप के करीब मैंने ली है कसूरी मेथी, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उन्हीं सब चीज़ों के साथ हम मिक्स कर देंगे। उसी पैन में फिर मैंने ली है 2 चम्मच के अराउंड सफ़ेद तिल, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, जैसे ही वो हल्के से क्रैकर होने लगें तो आप इनको निकाल लें। उसके बाद हम इनमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच के अराउंड मैंने लिया है आंवला पाउडर, उसके बाद डाला है इसमें जिंजर यानी कि सौंठ का पाउडर, आमचूर पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने हींग का और साथ ही डाला है इसमें ब्लैक सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को एक साथ हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला। इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है 1/3 कप के अराउंड खसखस। खसखस को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और इसे एक बोल में निकाल के साइड कर देंगे और एक पैन में डालेंगे 1/4 कप के अराउंड साबुत धनिया, साबुत जीरा, थोड़े से लौंग डाले हैं, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, बड़ी इलायची ली है, कुछ दालचीनी के पीसेस, कुछ छोटी इलायची ली है, साथ ही ली है 2 पीसेस जावित्री के। वही 1 से 1.5 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे और खसखस के साथ उसी बोल में इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे और उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है सूखी साबुत लाल मिर्च और कसूरी मेथी को रोस्ट करना। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ 1 से 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है इसीलिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें जिंजर पाउडर और इसके बाद बारी आती है इसे ग्राइंड करके पाउडर बनाने की। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए हैं तो मेरा किचन तो क्या आज मेरा पूरा घर खुशबू के साथ महक रहा है। तकरीबन हर तरह के मसाले की खुशबू मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है और यही रीज़न है कि खाने में इनका इस्तेमाल हमारी भूख और बढ़ा देता है। फिफ्थ एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला। इसके लिए पैन में डाले हैं 2 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल और 2 ही टेबलस्पून तुअर यानी कि अरहर की दाल। तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लेम तक हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में। उसके बाद उसी पैन में 1 टेबलस्पून मेथी सीड्स लेंगे, उसे भी 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे। फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1/4 कप साबुत धनिया और 1/4 कप जीरा, दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम ही रोस्ट करना है। ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें, कोई मसाला जल ना जाए। उसके बाद पैन में लिया है 1 चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने और 2 चम्मच लिए हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के दाने और साथ ही डाली है कुछ सूखी लाल मिर्च। रोस्ट और डाल दें उसी बोल में और उसके बाद उसी पैन में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, आपके पास फ्रेश पड़े हैं तो वो भी चलेंगे, उनको भी रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राई किए हुए कड़ी पत्ता पड़े हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को एक बोल में डालने के बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी का। इन सबको मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे और सांबर मसाला रेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।